टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे हर एक मैटर पर अपनी राय खुलकर रखती हैं। वह बिग बॉस में भी काफी फेमस हुई थी और वह बिग बॉस की विनर भी रह चुकी हैं। हाल ही में शिल्पा शिंदे झलक दिखला जा 10 में नजर आई थी, जहां से वह कुछ वीक के बाद ही बाहर हो गई। अब इस शो में शिल्पा शिंदे को कई चीजें पसंद नहीं आई हैं, जिसका जिक्र उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए की है। इस पोस्ट के जरिए शिल्पा शिंदे का झलक दिखला जा के जजेज पर गुस्सा फूटा है, जिसमें वह खास तौर पर करण जौहर को निशाना बनाई है। उन्होंने कहा है कि डांस रियलिटी शो के जजों को कंटेस्टेंट्स के एक्ट की इज्जत करनी चाहिए और सोच समझकर कमेंट्स भी करने चाहिए। जजेस के कमेंट पर शिल्पा ने आपत्ति जताई है। शिल्पा कहती है, मेरा ये वीडियो झलक दिखला जा पैनल पर बैठे उन जजेस के लिए है जिन्होंने निया के लास्ट परफॉर्मेंस पर कमेंट किया। जो पॉइंट्स उन्होंने एक्ट्रेस को दिए उनकी जो परफॉर्मेंस थी, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या करण सर धर्मा प्रोडक्शन की फिल्में देने वाले हैं? क्या 3 मिनट की परफॉर्मेंस में आपको कहीं डांस नहीं दिखा? आपको डांस में भी एंटरटेनमेंट चाहिए, ये डांस बेस्ड शो है। आपको सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट चाहिए, आप उनको ऑस्कर्स या नेशनल अवार्ड देने वाले हो क्या? शिल्पा आगे कहती हैं, उस 3 मिनट के एक्ट के लिए एक आर्टिस्ट क्या तैयारियां करता है आप सोच भी नहीं सकते। कंपटीशन नहीं बोलते हैं, फिर भी है। आप रुबीना का वीडियो निकाल कर देखिए, उनके साथ कुछ भी हो सकता था। इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? क्या जजेज लेंगे? फिर बाद में कैंडल लेकर रास्ते पर निकलने का कोई फायदा नहीं है। जब तक इंसान है उसकी कदर करो। बता दे कि रुबीना दिलैक भी झलक दिखला जा की कंटेस्टेंट है, जिन्हें हाल ही में डांस प्रैक्टिस के दौरान गंभीर चोट आ गई थी। वह डांस प्रैक्टिस के दौरान गिर गई थी, जहां कुछ भी हो सकता था। वेल, शिल्पा शिंदे ने सही ही कहा है, जब तक इंसान है उसकी कदर करना चाहिए। शायद करण जौहर ये भूल गए हैं। वेल दोस्तों, ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो खास मेरा झलक दिखला जा के पैनल पे बैठे हुए जजेस के लिए है। मैंने निया का लास्ट परफॉर्मेंस देखा, उसके ऊपर जो पॉइंट्स दिए और कमेंट्स किए, मैं चुप रही। मुझे पूछना है कि करण सर क्या धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म देने वाले हैं? या 3 मिनट के एक्ट में आपको डांस नहीं दिखा आप कहते हो? आपको अलग चीज भी चाहिए, एंटरटेनमेंट का शो है, आप सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट लेते हो, आपको क्या चाहिए? आप ऑस्कर अवार्ड देने वाले हो? आप नेशनल अवार्ड देने वाले हो? बताइए। मतलब उस 3 मिनट के एक्ट के लिए एक आर्टिस्ट क्या कर रहा है आपको पता भी है? कंपटीशन नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी कंपटीशन है। आप रुबीना का वीडियो निकाल के देखिए, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता था, उसका कोई भी नतीजा हो सकता था। इसके बाद क्या इसके जिम्मेदार जजेस है? फिर बाद में कैंडल लेकर रास्ते पर निकलने का कोई मतलब नहीं है। जब तक इंसान है उसकी कदर करो, बाद में मत भौंको। लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, एंटरटेनमेंट का शो है, उसको उसी तरीके से लो। फैंस आपस में फाइट कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज के लिए कर रहे हैं यार। अपने आर्टिस्ट को, जिस आर्टिस्ट को पसंद करते हो, उसकी रिस्पेक्ट करो। आप लोग उठ के बकवास करने में क्या जाता है किसी का? और यार हम लोग पता है पानी नहीं पी पाते क्योंकि हम सुसु नहीं जा पाते, इतनी हालत खराब होती है। ये सिर्फ 3 मिनट का एक्ट नहीं है, इसके पीछे बहुत मेहनत है। मेरी तो तबीयत खराब हो गई। हे भगवान, कोई तो जजेस को ये सोचना चाहिए। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो कर रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट करो और वैसे कमेंट्स करो, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी चीजें आगे निर्भर करती है।